गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अंशिका एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ एट देयर प्लेस। सो वी आर बैक विद आवर अनदर एपिसोड ऑफ आवर होटल रिव्यू सीरीज, जहाँ पे हम लोग रिव्यू करते हैं होटल्स जहाँ पे भी हम जाके रुकते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैंकॉक में रामलैंड होटल एंड स्वीट्स में रुके थे। तो बैंकॉक से निकल के हम लोग पहुँच गए थे पत्या और यू कैन से पटाया। तो आपने वो मेरी वीडियो तो देखी होगी जिसमें हम लोग बैंकॉक से पटाया पहुंचे थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और पटाया में हम लोग रुके थे डिवारी होटल में, जो कि पड़ता है जोमेशन बीच पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो डिवारी होटल है वो कैसा दिखता है, और उसके बाद हम आके इसको करते हैं रिव्यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है इस होटल की एंट्री। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड और एक है बैक साइड। ये है इसकी पार्किंग, तो अगर कोई लोकल आता है तो उसकी गाड़ी यहाँ पार्क होती है, लोकल एज इन थाईलैंड से खुद की गाड़ी में। एंड दिस इज़ डिवारी जोमेशन बीच। माय पैर ओके, अभी यहाँ से है एंट्री। तो यहाँ पे बाहर सिटिंग अरेंजमेंट भी है, इफ़ यू वांट टू सिट आउटसाइड यू कैन। देन यहाँ पे आपको टैक्सी सर्विसेज मिल जाती है, लगेज के लिए है ट्रॉली। देन दिस इज़ काइंड ऑफ कैफेटेरिया विद द नेम इली, और यहाँ पे सिटिंग एरिया है। देन दिस इज़ अ बिग टीवी, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। सामने रिसेप्शन है, दिस इज़ ऑल्सो सिटिंग एरिया, वेटिंग एरिया एक्चुअली। बहुत सारे केक्स अवेलेबल है। देन दैट्स द रेस्टोरेंट। ये है लिफ्ट यहाँ की। सो विल गो इन दिस लिफ्ट, ओके। ये है महाराजा वाली सीट यहाँ पे। देन दीज आर अनदर लिफ्ट। एक्चुअली वो जो लिफ्ट है वो 21st फ्लोर से शुरू होती है, एंड ये जो लिफ्ट्स हैं ये फर्स्ट फ्लोर से ही शुरू होती हैं। सी, ये जो लिफ्ट सर्विस है ये सिर्फ 5th फ्लोर तक की हैं। यहाँ की जो लिफ्ट सर्विसेज हैं ये ये 7th फ्लोर से 38th फ्लोर के लिए। तो ये यहाँ पे पूरा डिवाइड हुआ है। देन दिस इज़ द लॉबी एरिया, यहाँ से हमारा रूम आता है बिल्कुल सामने। और अब आपको यहाँ से ये व्यू है, दिस इज ओके गाइज, दिस इज़ आर रूम फॉर 2 days, विच इज़ टुडे एंड टुमारो। यहाँ से है हमारी एंट्री, एंड दिस इज़ अ फैमिली स्वीट। सो यहाँ पे हमने कार्ड डाला और यहाँ पे लाइट्स ऑन ऑफ के बटन्स हैं। देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्मॉल किचन जिस पे फ्रिज भी है, एंड फ्रिज में 4 पानी की बॉटल्स हैं। देन दिस इज़ द लगेज एरिया। देन दिस कम्स द फर्स्ट रूम जिसमें स्टडी टेबल है with a mirror, and this is the almira with some locker and hangers. ये side table आ गई with a lamp, bed. Then this is the washroom. Then here comes a small TV. और ये है balcony, जहाँ से ये है balcony and यहाँ से ये view है। सो हमने फैमिली स्वीट ले रखा है। सो दिस इज़ द व्यू ओवर है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे रूम में। सबसे पहले इसको बंद करते हैं क्योंकि आई गेस एसी चल रहा है, नहीं चल रहा तो हम चला देंगे। यहाँ से निकल के हम जाते हैं इस तरफ। तो ये है यहाँ पे डाइनिंग टेबल, किचन के जस्ट सामने डाइनिंग टेबल। देन दिस इज़ अ सोफ़ा एरिया, बिल्कुल ओवल शेप में है ये सोफ़ा, सेमी सर्कल में है। देन यहाँ पे है टीवी इनका विद द ड्रॉर्स। दिस इज़ द स्टडी टेबल एंड द चेयर। यहाँ से आती है एक और बालकनी, एंड हियर कम्स द अदर व्यू। हेलो,
वाले आ रहे थे बस आप। तो ये है जोमेशियन बीच व्यू, यहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो शाम को। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस बालकनी विच इज लिविंग रूम बालकनी। अब चलते हैं मम्मा पापा के रूम में जो उन्होंने मार लिया है। अब वो इसलिए मारा क्योंकि उस रूम का यही सेम व्यू है, लेट मी शो यू। तो यहाँ से है एंट्री दूसरे रूम की। दिस इज द स्टडी टेबल, दिस इज देयर फुल लेंथ मिरर, देन दिस इज द लैम्प, बेड, टीवी विद द ड्रॉअर, देन दिस इज देयर कबर्ड, आई गेस दिस इज मास्टर बेडरूम। तभी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं। एंड दिस इज अनदर टेबल। लॉक करके चली गई, खुलेगा। एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज द डोमेशियन बीच व्यू रूम। सो वेलकम टू पताया गाइस। एक और चीज़ है, मम्मी पापा के बाथरूम में बाथटब है लेकिन दैट इज ऑक्यूपाइड राइट नाउ। तो अभी एंजॉय दिस। बाप से मिलते हैं जब आपको बाकी होटल का व्यू दिखाते हैं तब। और ये है दूसरा वॉशरूम जिसमें है बाथटब। नाइस, कोई नहीं, हम भी मजे लेंगे इसके। ठीक है, दीवारी इंस्पिरेशन बार। वाओ, दैट्स नाइस। ये इंस्पायर करता है बाहर जाने के लिए। पूल। वैसे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, सो दिस इज अ बार एरिया। What a view! अगर आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो हम यहाँ पर बैठ के व्यू एंजॉय करते हुए, सामने जो मिशन बीच है और ये पूरा सिटी व्यू है, पत्तिया सिटी व्यू। एंड अभी टाइम हो रहा है, इट्स 5:40 इन इंडिया, तो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 7:10 आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, सॉरी इट्स 6:12 है। या तो मेरे फ़ोन की घड़ी ख़राब है या फिर मेरे वॉच ख़राब हो चुकी है। नॉनदलेस अभी यहाँ पे है 6:12 एंड अच्छा इट्स 4:42 ओनली इन इंडिया, इट्स 4:42 इन इंडिया और यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:12 एंड दिस इज द व्यू। दिस इज द व्यू फ्रॉम द अदर साइड। तो हम इस वाले गेट से निकल के यहाँ आए, सो यहाँ पे भी जोमेशियन का व्यू है एंड दिस इज द व्यू ओवर हियर। इट्स टोटली डिफरेंट बट वो सीट वहाँ पे भी है। दिस इज हाउ द स्काई लुक्स लाइक दिन के टाइम पे जब हम धूप थी। तो जब आप रिसेप्शन से लेफ्ट में मुड़ते हैं तो यहाँ पे अतमा है विच इज ATM। मैं यहाँ से नहीं दिखाऊँगी, यहाँ पे सोफा है, टेबल है, यहाँ पे मैगजीन्स वगैरह रखी हुई है विद एन आर्टिफिशियल या फिर रियल प्लांट है शायद, मनी प्लांट, और यहाँ पे भी एक टीवी लगा है। सो मीटिंग इन नूसा, स्विमिंग पूल, बीच फ्रंट, कार पार्क, रेस्ट रूम। सो यहाँ से जब हम जाते हैं तो यहाँ से हमारा स्विमिंग पूल आता है, कार पार्क आता है, रेस्ट रूम आता है, फिटनेस आता है। तो यह आ जाता है, यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज़ हैं,
इवन आप पूल खेल सकते हो यहाँ पे, और वो भी गेम है फुटबॉल वाली जो होती है। देन दिस इज़ द गार्डन कैफ़े। तो यहाँ से राइट जाओगे तो आपको कार पार्किंग मिल जाएगी एंड स्विमिंग पूल मिल जाएगा। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, सॉरी गार्डन कैफ़े, अभी मैंने बताया। और स्विमिंग पूल हम आपको बाद में दिखाएंगे। देन वहाँ भी आई गेस रेस्टोरेंट। दिस इज़ द ग्लास मीटिंग रूम। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो स्विमिंग पूल और बीच फ्रंट आ जाएगा। सो ये गेट खुलेगा पहले। ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग वेदर। देन दिस इज़ द फ्रिक्स रेस्टोरेंट। सामने फिटनेस भी है, इफ़ यू आर अ जिम लवर तो वहाँ जा सकते हो आप लोग। एंड दिस इज़ द पूल, दूर से दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द पूल एरिया। अभी कोई है नहीं पूल में, बट दिस इज़ द पूल एरिया। और अगर आप नोटिस करोगे तो पूल के पीछे भी आपको काइंड ऑफ कैफेटेरिया मिल जाएगा। बाहर से ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रखी हुई हैं। ओके कॉकटेल्स मॉकटेल्स। ओके ओके ओके। सो दिस इज़ द पूल। आई माँ लग गई मेरे चोटू। दैट इज फिटनेस सेंटर, ये इनको फिटनेस नहीं चाहिए। वहाँ पे बच्चों के लिए वो लगी हुई है सीढ़ी, स्लाइड स्लाइड। और ये बाहर से कुछ ऐसा लगता है। मैंने इसमें से कुछ नहीं हटाऊंगी, इन दोनों की बातें रिकॉर्ड करूंगी मैं। एंड सब कमेंट बॉक्स में पापा को बर्थडे विश करो। वैसे जब ये वीडियो आएगी तब तक तो बर्थडे चला जाएगा, बट जिस दिन शूट हो रहा है उस दिन पापा का बर्थडे है। तो डेट नोट कर लीजिए आप, लिखना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, देखो वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल। ये दीवारी का ही, इवन दैट फ्रिक्स रेस्टोरेंट दीवारी का ही था वो भी। ये भी दीवारी का है। तो जितने भी यहाँ पे रेजिडेंस, रहने दो कोई नहीं, कुछ दिन के लिए जब इंजॉय करना है। वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना यहाँ पे। बट हाँ, ये था आज का हमारा होटल। सो दिस इज यहाँ पे फ्राइड एग, दिस इज आई डोंट नो नूडल्स आई बिलीव, चिली सॉस, टमाटो सॉस। These are the dressings. These are the fresh drink. This is drinking water, fresh juices, hot water, coffee, tea, coffee. Jams. This is breads, danish, pastry, croissants, rolls. This is the bread station. Steamed rice. Steamed with mixed vegetables. Pasta with cream. Steamed fish with fresh pursuit.
देन दिस इज फ्रेश मिल्क, इसके ऊपर की ड्रेसिंग, देन मिक्स फ्रूट्स एंड कट फ्रूट्स, देन दीज आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कर्ड एंड द ड्रेसिंग. उसके बाद यहाँ पे है बॉइल्ड राइस विद चिकन विद सम ड्रेसिंग्स. ओके जी, तो आपने होटल तो देख ही लिया है, अब हम लोग इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं और मेरा इस होटल में कैसा एक्सपीरियंस था उसकी बात कर लेते हैं. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उसके साथ में एक बेल बटन होगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको इस बारे में पता चल सके और आप मेरी वीडियो देख भी सकें. और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो, एंड ऑल्सो अगर आप दिवाली जाने का प्लान करें तो ज़रूर बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जब भी किसी होटल को रिव्यू करते हैं तो हमारे 5 पैरामीटर्स होते हैं. पहला होता है हमारा एम्बियंस कि होटल देखने में कैसा लगता है, दूसरा होता है उसका खाना विच इज़ फूड, तीसरा होता है हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, फोर्थ होता है आपका स्टे कि आप जब रुके थे तो आपका स्टे कैसा था, फिफ्थ होता है आपका एक्सपीरियंस और लास्ट में हम लोग बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की. होटल पड़ता है जुमेशन बीच पे, यानी जुमेशन बीच के बिल्कुल सामने आपको ये दिवारी होटल मिल जाता है. तो इन केस आपका कोई लेजी डे काइंड ऑफ है कि आपको कहीं घूमने नहीं जाना लेकिन बीच पे जाना है, सो यू कैन विजिट जुमेशन बीच बाय वॉक. आप अपने होटल से निकले सामने जुमेशन बीच पे पहुंच गए. दिस इज द प्लस पॉइंट अबाउट दिस होटल. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकेले भी जाना चाहें बीच पे वॉक करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा, बट मेक श्योर करिएगा कि टाइड या जो वेव्स हैं वो हाई टाइड नहीं होना चाहिए बेसिकली, ताकि आपका बीच का जो सफ़र है वो अधूरा ना रह जाए. तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बियंस की. तो एम्बियंस आप लोग खुद भी देख सकते हैं कितना सुंदर होटल बना हुआ है. तो आई विल रेट इट्स एम्बियंस 4.5/5. तो सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं फूड की. तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो दिवाली में इंडियन फूड तो हमें मिला नहीं, सो वी हैड टू बियर अप विद ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि हमारे जो रूम था दैट वाज विद ब्रेकफास्ट, यानी इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था. लेकिन जैसे रामब्रांड में हमें इंडियन ब्रेकफास्ट फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता था, दिवाली में ऐसा कुछ नहीं था. सो यू कैन ओनली टेक जूस कॉफ़ी और योर ब्रेड बटर एक दिन ब्रेकफास्ट में. लकीली आई डोंट नो हाउ वहाँ पे स्पेगेटी पास्ता था, वाइट सॉस पास्ता था एंड दैट वाज वेजिटेरियन, सो आई वाज लाइक थैंक गॉड मुझे तो खाने को मिल गया था, मॉम डैड यूजुअली नहीं खाते हैं. सो या आई हैड वाइट सॉस स्पेगेटी पास्ता दैट वाज नाइस, बट थोड़ा सा ब्लैंड था क्योंकि उसमें कोई मसाले वगैरह, ऑफकोर्स इंडियन तो था नहीं तो कोई मसाले वगैरह की उम्मीद स्पाइसेस नहीं थे उसमें, बट स्टिल वी मैनेज्ड विद इट. बाकी फ्रूट्स तो होते ही हैं, सो आई कैन नॉट रेट इट्स फूड क्योंकि हमने वहाँ पे लंच ना डिनर कुछ भी नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल था नहीं, वेजिटेरियन फूड में भी कोई वो था नहीं, प्लस हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम लोग टुक टुक लेते थे होटल के बाहर से एंड हम लोग चले जाते थे अलीबाबा रेस्टोरेंट जो वहीं पत्या में ही है और वहाँ का फूड इज़ रियली यम. तो अगर आप कभी भी पटाया जा रहे हैं, पत्या जा रहे हैं तो और आपको इंडियन फूड चाहिए तो आप प्लीज़ अलीबाबा रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे वहाँ जा सकते हैं. तो फूड इज़ रियली अमेजिंग, उसकी रेटिंग भी 4 की है. तो आई कैन नॉट रेट फूड ओवर हियर, तो वील लीव इट एज नल एंड वॉइड. थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं हॉस्पिटैलिटी की. तो हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ तो हमें ऐसा चीज की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट या समटाइम्स अगर आप उनको पानी के लिए बुला रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए बुला रहे हैं, सो द सर्विस वॉज रियली गुड, सो आई विल रेट इट 4/5. फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं स्टे की. स्टे हमारा बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि आपने देखा 2 अलग अलग रूम्स थे, सो मेरे लिए भी कोई एक्स्ट्रा बेड का कोई झंझट नहीं था एंड आई कुड हैव माय पीसफुल स्लीप विदाउट एनी हैसल बैसल. तो या तो मैं स्टे की बात करूँ तो इट वाज 5/5 क्योंकि जब सामने आपको जुमेशन बीच का, एक साइड से जुमेशन बीच, एक साइड से पत्या सिटी व्यू, सो द व्यू वाज लाइक द रूम द स्टे वाज वेरी कंफर्टेबल गुड एंड वी एंजॉयड अ लॉट. हमने वहाँ पे चाय बना के भी पी. सो या फिफ्थ हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एक्सपीरियंस की. तो हमारा एक्सपीरियंस एक्सेप्ट फूड वॉज रियली गुड क्योंकि हम लोग मेजरली तो बाहर ही घूम रहे थे. तो पत्या में हमारा एसच, मतलब होटल में हम लोग इतना एसच नहीं रुके,
but we still enjoyed a lot. So experience was 4.515. Now if I talk about our overall experience, the overall experience हमारा था 4/5. मेरी बस एक ही टिप होगी कि अगर डिवारी होटल में इंडियन फूड या एक इंडियन डिश भी अवेलेबल हो जाएगा तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. अगर आप ब्रेकफास्ट में ही उसको इंक्लूड कर दो ना, सो नथिंग विल कॉस्ट एनीथिंग. लाइक अगर हो सके तो अगर कोई इंडियन शेफ हो वहाँ पे या कोई इंडियन फूड एक डिश अवेलेबल हो जाती है तो वो हम इंडियंस के लिए भी ईजी हो जाता है, क्योंकि नॉट एवरी इंडियन कैन ईट थाई फूड और नॉन वेज. So that is the major drawback of this Tiwari hotel. Rest, if I talk about view, आपको बहुत अच्छा मिलता है होटल से, क्योंकि जो मिशन बीच है सामने, टुक टुक की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, मतलब फैसिलिटीज़ मतलब अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है. आपको बस होटल से बाहर निकलना है एंड सामने आपको इतनी सारी टुक टुक वगैरह जाते हुए मिलेगी, तो आप कोई भी टुक टुक पर बैठ सकते हैं एंड 10 rupees पर पर्सन के हिसाब से यू कैन जस्ट विजिट एनीवेयर अगर आप लोग शेयरिंग में जाते हैं तो. Rest, this hotel was really good. I hope कि आपको भी ये होटल का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना भूलेगा नहीं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करा दीजिएगा. सो या इस वीडियो के लिए इतना ही था. अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ पत्या की एक स्पेशल जगह शेयर करने वाली हूँ, तो जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया था. तो या उस वीडियो के लिए ज़रूर बने रहिएगा, और उस वीडियो के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि वो जगह कौन सी है. ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ.